पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के इमरती देवी को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस दो फाड़ होती नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कमलनाथ के बयान को दुर्भाग्यजनक बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि कमलनाथ मेरी ही पार्टी से हैं, लेकिन इस तरह की भाषा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उधर कमलनाथ ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कहा कि वो राहुल गांधी की राय है, मैं क्यों माफी मांगूंगा। राहुल गांधी ने कहा कमलनाथ का बयान बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब कमलनाथ के लिए अपनी ही पार्टी में मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कमलनाथ पहले ही अपने दिए बयान को गलत नहीं बता रहे थे। इसके बाद मामले पर लगातार विरोध के बाद उन्होंने खेद व्यक्त किया था। अब राहुल गांधी के बयान के बाद उन्होंने कहा कि ये राहुल जी की राय है, मैं क्यों माफी मांगूंगा। मैंने कल कह दिया कि मेरा लक्ष्य किसी को अपमानित करने का नहीं था, और अगर कोई अपमानित एहसास करता है तो मुझे खेद है। कमलनाथ जी इज फ्रॉम माय पार्टी, बट आई डोंट लाइक पर्सनली द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट कमलनाथ जी हैज यूज्ड, एंड आई डोंट अप्रिशिएट इट। आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट, बट एज ए जनरल स्टेटमेंट I think that our treatment of women in this country at all levels has a lot to be improved. There's a lot to be improved, whether it is in the law and order, whether it is in just basic respect, whether it is in how much space they are accorded in business, in government, in other areas. I think our women are our pride. I think they should be protected. And I don't appreciate this type of language, regardless of who's using it. अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था, इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। हम मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा, मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी से किसी का अपमानित करना, अगर कोई अपमानित इससे एहसास करता है तो मुझे खेद है, ये तो कल मैंने कह दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।